weekend related to everything in the de-addiction program, in the rehabilitation program, in our day-to-day life, how everything is handled by our mind, जिन्हों असी पंजाबी दे विच मन भी कहने हैं। और अक्सर समस्या यह होंगी है कि असी मन के अधीन होंगे, मन साढ़े अधीन नहीं होंदा, बट वॉट वी वॉन्ट इज वाइसा वर्सा। असी मन नू अपने अधीन करना है, ना कि असी मन दे अधीन होना है। एंड हाउ वी कैन अचीव इट, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी वेरी साइंटिफिक वे। पहला दो चीज़ा समझन वालिया ने जड़िया कि असी बहुत दूर तो सुनते आने, किसी नू मनमुख कहा जाता है तो किसी नू गुरमुख कहा जाता है। नाउ हु इज़ मनमुख एंड हु इज़ गुरमुख। मनमुख वो इंसान होंदा जिहड़ा मन दे मगर लगदा, मन दे मूँह नू लगदा, उन्हूं असी मनमुख कहने, जिहड़ा मन नू अगे रख के अपनी जिंदगी दे डिसीजन लैंदा, दैट इज़ मनमुख। एंड ऑन द अदर हैंड द अदर वर्ड इज़ गुरमुख। द गुरमुख इज़ जिहड़ा के मन दे पिछे नहीं लगदा, गुरु दे पिछे लग के डिसीजन लैंदा है। नाउ इट्स बीन एजेस, इट टुक मी 50 ईयर्स टू अंडरस्टैंड हु इज़ माई गुरु एंड वॉट इज़ गुरु। सो अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड गुरु इज़ ज्ञान, नॉलेज इज़ अवर गुरु। ओ नॉलेज फिजिकल रूप दे विच साडे टीचर दे रूप च भी साडे सामने हुंदी है, जिस तरह डॉक्टर भाटिया तुहाडे सामने ने, ही इज़ योर गुरु, ही इज़ इम्पार्टिंग यू द नॉलेज। और जिहड़ी असी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हाँ, असी वेदा पढ़ते हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ते हाँ, जिन्हां नूं असी गुरु का दर्जा देने, असी गुरु का दर्जा इस करके देने क्योंकि सानूं ज्ञान इम्पार्ट किया गया वै। सो दैट इज़ गुरु। थर्ड वेरी कन्फ्यूजिंग वर्ड इज़ शब्द। शब्द का की मतलब होंदा वै, वॉट आज मीन बाय शब्द। शब्द जिहड़ी गुरु की मत है, जिहड़ी गुरु की सिक्ख्या है, उन्हूं असी शब्द कहने हैं। सो दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज बाय अवर एल्डर्स, बट वी नैवर न्यू द मीनिंग ऑफ इट। कितने कीर्तन होंदा होवे तो असी कह दें जी शब्द चल रहा है, वो शब्द की होंगे, वो गुरु की सिक्ख्या होंगी है, जिद जो थानू दस रहे होंगे कि असी अपनी जिंदगी इस तरह यह सच है, इस तरह होंगे इस तरह नहीं होंगे। सो दैट इज़ शब्द। सो इफ़ वी नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड, नाओ वी कैन अंडरस्टैंड के मन किस तरह चलता है और यह सानू कित्थे लैके जा सकता है, और जे असी इहदे पिछे नहीं लगना तो इहनूं असी किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और वट विल बी द रिजल्ट ऑफ इफ वी आर आफ्टर इट और इफ मन इज़ आफ्टर अस। ठीक है, नाउ असी थोड़े जे दृष्टांक्स नाल इहनूं समझांगे। नामदेव भगत दे टाइम दे उत्ते दो भगत बड़े मशहूर होए ने, उन्हां नूं रंका ते बंका कहा जांदा सी, और उन्हां दियां बड़ियां साखियां प्रसंग जिहड़े ने ओह बड़े प्रचलित ने। कट्ठे समाधि करदे सीगे ते इक दिन समाधि करदिआं करदिआं जिहड़ा बंका सी ओह रोण लग पिआ समाधि करदिआं करदिआं, ते जदों समाधि खुल्ली ते उहदे दोस्त ने उहनूं पुछिआ कि समाधि दे विच तुसी क्यों रो रहे सीगे, वो कहिंदे मैं समाधि च इस करके रो रहा सी कि समाधि दे विच जदों मैं लीन सी ते उदों मेरा मन जिहड़ा सी वो गंगा नहाउण चला गया। ते रंका उहनूं कहिंदा इहदे च रोण वाली कीड़ी गल है, ते मन कोई चंगा काम ही करन गया ना, गंगा ही नहा के आया ना। ते बंका उहनूं अगों जवाब दिंदा गल इह नहीं है कि मन ने चंगा काम कीता या ना कीता, गल इह वै कि मन मेरे तो पुछे बिना गंगा नहाण गया। जे अज इह गंगा नहाण मेरे तो पुछे बिना चला गया ते कल नूं इह कोई भी काम मेरे तो पुछे बिना करेगा। सो दैट इज़ द पॉइंट के मन तुहाडे कंट्रोल च होना चाहिए, ना कि तुसी मन दे कंट्रोल च होने चाहिए। सैकेंड सेम तरह का एनेकडोट है कि एक फकीर पहाड़ों के उत्ते रहिंदा सीगा, कदी कदी थले आंदा सीगा,
जो उन्होंने कुछ चाहिए होंगे सी अज जो थले आता तो पहाड़ों तो उतरता तो सामने हलवाई की दुकान होंगी है तो हलवाई की दुकान पर मिठाई बन रही होंगी है तो जो मिठाई बन देखता है दिल करता वह मिठाई खाने के उत्ते पैसे वो कोल होंगे ही नहीं पर एहो जी वो बिरती नहीं होंगी कि मंग के खा ले करन लगता साधना करन लगता मन मार के फिर बार बार ध्यान जड़ा है मिठाई दे विच जांदा है जो ध्यान मिठाई च जांदा है तो मन बनांदा है कि अज का दिन मैं इस तरह करदा कि मेहनत करदा पैसे कमाना मिठाई खरीदा तो उस तो बाद शामी मिठाई खाने तो बाद ही साधना ते बैठांगा सारा दिन मेहनत करदा है शामी जिन्ने पैसे इकट्ठे होंदे आ लै के हलवाई की दुकान ते जांदा है मिठाई खरीदा खान लगता है जो मूँह च पान लगता है कुछ अंदर वो कोई विचार चलते ने उ मिठाई चुक के सामने कुकर हों कुकर कुत्ते कहा जाता कुकर पा देता है हलवाई देख रहा हों सवेर का उन्होंने वह बाहर आता हाथ जोड़ के फकीर कहता है कि महापुरशो सवेर का तुम देख रहा जदों की मिठाई बनी है तोड़ा सवेर का मन सी और तोड़े कपड़िया की हालत देख के पता लगता है कि तुम सवेर दे मेहनत करते पे हो तो हुण तुसी मिठाई खरीदी है तो खाधी नहीं तो तुसी कुकर नूं पाती है फकीर हसन लग पैंदा कहिंदा समझ तो तैनूं नहीं आनी पर फिर भी कोशिश करके देखदा वा शायद तू समझ आए कि अज इस मन ने मैनू मेरी साधना छुड़वा के मिठाई ली सारा दिन मेरे कोलों मेहनत कराई तो जे मैं अज मन दी मन ली तो मिठाई खा ली तो मन की पूरी करती इच्छा तो कल नू फिर है कोई होर इच्छा मेरे अगे रखेगा सो आज मैं मन दे नहीं मनना मन नू अपने पिछे मनाना है सो दिस इज शुड बी द एटीट्यूड कि असी मन नू अपने पिछे लगाना है तो मन दी मननी नहीं है क्योंकि मन कुछ भी गलत या ठीक कह सकता है दिस यू हैव टू एनालाइज इफ इट इज़ गुड देन विद योर परमिशन यू कैन गो हैड विद दैट वेरी वर्क नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ भगवान श्री कृष्ण नू एक बारी किसी ने पूछा कि हे भगवत तुसी कहंदे हो कि सानू अपने कर्मा दे हिसाब नाल फल मिलता है तो जे असी कर्म ही ना करिए तो फिर तो असी इस चीज़ तो भी मुक्त हो गए ना असी कर्म करिए ना कोई चंगा होवे ना कोई माड़ा होवे तो असी पापा तो भी मुक्त बदी तो भी तो नेकी तो भी तो कृष्ण जी हसन लग पाए अगों कृष्ण जी कहते हैं कि जदों असी कुछ नहीं किया तो वह भी ना करना भी एक कर्म बन जाता है कर्म सिर्फ फिजिकल कर्म नहीं होंगे कर्म जड़े ने मानसिक कर्म भी होंगे ने और जदों असी कुछ नहीं करते तो साडे मन दे विच विचार चलते रहते ने और विचारां दी ए प्रवृत्ति होंगी है कि विचार अक्सर घटिया मन च चलते ने वधिया विचार मन दे विच बहुत घट चलेंगे जड़ा एक यूजुअल प्रवाह हुंदा विचारां दा थॉट्स चेन ऑफ थॉट्स आ वह हमेशा इनफीरियर नैगेटिव ही हुंदा और इनू खिंच के तुहानू पॉजिटिव ते लियाना पैंदा हुण हाउ वी कैन डू दैट इट इज़ लाइक जिहड़ी असी बचपन दे विच एक कहानी सुनते सी जिन दी कहानी इस तरह सुनते सी कि एक व्यक्ति जिहड़ा हुंदा वो जिन नू काबू च कर लैंदा पर जो जिन काबू च हो जाता तो वह कहिंदा हुक्म करो आका की कहिंदे हो जो कहोगे तुहाडा क्या मन्नांगा पर शर्त यही है कि मैं वेला नहीं बैठना जे मैं वेला बैठा मैं उस वेले तुहानू खा जावांगा वो बंदा कहिंदा जाके कुआं खोद के आ खूह खोद ला वो एक सैकेंड दे विच खूह खोद के आ जांदा वापस हुण कहिंदा हुक्म करो मेरे आका वो बंदा परेशान हो जाता कि हुण इहनां नूं मैं किहड़ा काम दसा जिहड़ा भी काम दसा सैकेंड दे विच आ के करके ख़त्म कर दिंदा तो उस तो बाद उहदी शर्त है कि जे काम नहीं होएगा तो मैनू आ के खा जाएगा वो भजदा भजदा महापुरखां कोल जांदा वो कहिंदा महापुरखो मेरे कोल गलती हो गई है पर मैनू हुण इस समस्या तो बचाओ तो महापुरखों नू कहंदे आ हुण इस जिन नू तू कह ए पौड़ी चढ़ पौड़ी उतर पौड़ी चढ़ पौड़ी उतर तो बस इनू ऐसे काम ते ला लै
सो मन का भी हिसाब है कि एक जिन वर्गा है और इनू असी कंट्रोल च करना, उन्हें पौड़ी चढ़ानी, पौड़ी उतारनी, पौड़ी चढ़ानी, पौड़ी उतारनी, और पौड़ी कादी चढ़नी है, वो पौड़ी चढ़नी है नेक कम्मां दी, चंगे विचारां दी। जे ते तुसी अपने मन दे विच नेक गल्लां नूं, चंगियां गल्लां नूं लैके आओगे ते ओ बुरे विचारां तो दूर रहेगा। द मूमेंट यू विल be away from the good deeds, good habits, good counseling in a bad company, ए उस पासे चला जाएगा। ऐसे करके जदों पुराने जमाने दे विच नितनेम जिहड़ा दस्या जांदा सी, अज भी सिखां दे घरां दे विच इक नितनेम नाम दी प्रथा है, या हिंदू कल्चर दे विच भी गुरु मंत्र, मूल मंत्र दित्ते जांदे ने, उहनां दा वेरी परपस की हुंदा है कि अपने मन नूं चंगे कर्मा दे विच लाई रखो। नितनेम करद्या, पाठ करद्या, या मूल मंत्र पढ़द्या, या कोई चंगे कारज करद्या, जे ते मन उस पासे लगा रहेगा ते ए गलतियां तो बचिया रहेगा। ते जे ए वेला हो गया फिर है बुरे कम्मां वाले पासे जाएगा। जिस तरह के इहदी सिमिलर एग्जाम्पल मन नूं खोते नाल कंपेयर किया जाता है। जे तुसी कदी डंकी नूं ध्यान नाल देखो ना, ते जदों खोते नूं काबू च करना होवे ना, जदों वेला होवे खोता, ते उहदे मालक दे उहदी पिछली लत्त नूं बन्निया हुंदा, क्योंकि जदों खोते दे उत्ते भार नहीं लद्दिया हुंदा ना, ते खोता टेढ़ा मेढ़ा चाल चलदा है, ते खोते नूं पहलां भार लद्दीदा उहदे उत्ते, फिर उहदी पिछली लत्त खोली दी है। सो अपने मन दे उत्ते नेकी दा, चंगे कर्मा दा, चंगी कंपनी दा, चंगे विचारां दा भार रखना है, सो दैट इट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। दैट्स वाई जदों गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी कि मैं खालसा तैयार करना है, ते खालसा दा उन्हां दा मतलब प्योर तो सीगा, उन्हां दा मतलब कोई भी खालसे तो इस तरह दा नहीं सी जिन्हें पग बन्नी होवे, नो, द खालसा मीन्स प्योर। और उन्होंने एक वाक उच्चारण किया सी, खालसा सो जो करे नित जंग। वो जंग दा मतलब किसी बाहरली जंग नाल नहीं सी, वो जंग दा मतलब अपने अंदरली जंग तो सी, जिहड़ी असी अपने विकारां दी, बुरी विचारां दी जंग है, जिन्नू के असी हर पल 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 जित के उन्नू चंगे पासे लाना है। द पॉइंट इज नॉट दैट वैदर वी लूज दिस फाइट और वी विन दिस फाइट, द पॉइंट इज दैट वी शुड ट्राई एवरी मोमेंट टू बी ऑन द राइट पाथ, टू बी हैविंग गुड थॉट्स, टू डू द गुड डीड्स, सो दैट वी कैन control our mind. Thank you so much.